होती है, छोटा इमामबाड़ा है वो, और इसके पीछे जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो है पिक्चर गैलरी। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको देखने को मिला है ये रहा घंटा घर बराबर में खड़ा है। क्या बोला तूने? रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा था भाई बंदा जो है कि बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है। क्रॉस कर रहा था बंदा ट्रैक को और मेरा क्रॉस नहीं करना चाहिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ भाई, लोग बता रहे हैं। भाई क्या हुआ था, क्रॉस कर रहा था बंदा? तो क्रॉस कर रहा था भाई, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा है, दिल दे रहा एकदम से दोस्तों। अलीगढ़ प्लेटफॉर्म का है, हम पहुंच चुके हैं नखलऊ नवाबों के शहर और टाइम हुआ है 4:20। काफी लेट हो गई ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही समय पे भी हम लोग आ चुके हैं अपने इस शहर में। और तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं घंटा घर। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा था अलीगढ़ का घंटा घर, नहीं देख पाए थे उसमें लोग हो रहा था, तो ये तो कोई लोग भी नहीं है, पूरा खुला हुआ है और इसमें पूरे मजे आने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आपके लिए इससे अलावा हम दिखाएंगे आगे जाके इमामबाड़ा भी है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इसे बोलते हैं तालाब और इसके लिए झील भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के बगल में आप देखिए छोटा इमामबाड़ा है वो, और इसके पीछे जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो है पिक्चर गैलरी। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको देखने को मिला है ये रहा घंटा घर बराबर में खड़ा है, उससे आगे है बड़ा इमामबाड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से, और इससे भी अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। और क्या, तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छोटा इमामबाड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे साथ में लेके चलता हूं अंदर की साइड में, गो। हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली हम घंटाघर आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और काफी टाइम हो गया मैं घूमते घूमते और थकान होने लगी, तो हमने सोचा भूख भी लग रही है और कुछ ना कुछ खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं ना कहीं। बिरयानी खाने के बाद में चाय पीना बेहद जरूरी है, दुनिया कोल्ड ड्रिंक पीती है, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक पी के आलस में नहीं आना, चाय पी के एनर्जी लानी है ताकि और भी वीडियो बनाएं और बेस्ट तरीके से आपको दिखाएं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं छोटा इमामबाड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में दिखाएंगे हम बड़ा भी इमामबाड़ा, मेरे साथ बने रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे प्यारे दोस्तों। कितना खूबसूरत सा नजारा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बेहतरीन देखते सकते हैं। आप आइएगा मेरे साथ में इस इमामबाड़े के अंदर, मैं आपको लेके चलता हूँ, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सुहानी सुहानी चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए झील है हल्का सा छोटा दोस्तों, और कितना बेहतरीन निशान जगह है।
तो फाइनली गाइस देख लिया होगा अपने छोटा इमाम बाड़ा। अब लेके चलता हूँ आप कुछ बड़े इमाम बाड़े की ओर। आइए दोस्त, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बड़ा इमाम बाड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए दिखाते हैं